खबर राजधानी लखनऊ की गौतम पल्ली से है, जहां पर एक महिला सहित दो बच्चों के शव पंखे से लटके मिली। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के पति जब रात को घर आए तो उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो उन्हें पत्नी सहित बच्चों के शव पंखे से लटके मिले। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली क्षेत्र में एक हृदय विकारक घटना सामने आई है, जहां पर 30 वर्षीय सौम्या ने अपने 3 वर्षीय बेटे विराट और 1.5 वर्षीय बेटी अंशु को फांसी के फंदे से लटका दिया। इनके पति रवि कल रात में जब यहां पे आए तो दरवाजा ना खुलने पे उन्होंने खिड़की से झांका तो पता चला कि ये तीनों शव पंखे से लटकते हुए मिले। इन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने आई और दरवाजा तोड़ा और देखा कि तीनों शव पंखे से लटकते मिल रहे हैं। आइए हम इस समय उसी घटना स्थल उसी कमरे पे मौजूद है। आइए हम अंदर चलेंगे और कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि किस तरीके से यहाँ पर उनका शव लटकता मिला। और कैमरामैन से गुजारिश है कि आप दिखाएं कि ये यही पंखा है जिसपे अंशु का, विराट का और सौम्या का शव लटकता मिला। हालांकि आप कमरा देख सकते हैं, कमरा अस्त व्यस्त नहीं है। तो जहां तक ये है कि सुसाइड का ही मामला है, लेकिन अभी तक चीजें सामने नहीं आई है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सौम्या और रवि सकुशल यहाँ पे रह रहे थे। 1 साल से करीब वो रह रहे थे। रवि जो है बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और 1 साल से वो रह रहे थे और जिम खाना क्लब में रवि काम करता। आप देख सकते हैं किस तरह के बच्चे के खिलौने सामने रखे हुए हैं और सारी चीजें जो है वो इसमें से कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं है। ये सब बच्चों की गृहस्थी रखी हुई, बच्चों का सामान रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी चीजें अस्त व्यस्त नहीं पाई गई है। लेकिन हालांकि इस आत्महत्या को अभी पुष्टि नहीं करी गई है पुलिस के द्वारा। शव को जो है पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और कब्जे में लेने के बाद अब जो जांच रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये आत्महत्या है या हत्या को आत्महत्या का एंगल देने की कोशिश करी गई है। अब ये जो घटना है वो इतनी हृदय विकारक है जिससे राजधानी लखनऊ पूरा एकदम सहम सा गया है, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चों की हत्या, अगर उनको फंदे से लटकाना पड़े, शव को फंदे से लटकाना पड़े तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब देखना यह होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आगे क्या खुलासा होकर के आता है। अभी तक के लिए जो सूचना है वो इसको सुसाइड के एंगल से ही देखा जा रहा है, पुलिस द्वारा भी और हम लोग द्वारा भी, लेकिन आगे की जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा कि ये हत्या है या सुसाइड है। कैमरामैन रोहित के साथ अंकित श्रीवास्तव, एमके न्यूज़ लखनऊ।